मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। मैं तो कहता हूँ दिल्ली में जितने स्कूल बन रहे हैं ना, जितना जैसे ये भी चमकता है दूसरे भी चमकते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब सरकार कर रही है, पर अगर एक चीज पूछो, एक आदमी कौन है जिसका दिमाग चल रहा है, तो सत्येंद्र भाई का चल रहा है। मतलब वैसे तो सब चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का काम है, सबका काम है, पर जिस तरह से इन्होंने एक एक स्कूल को डिजाइन कराया, लोग सरकारी स्कूलों में, सत्येंद्र भाई का क्या है कि पहले सरकार में आने से पहले पार्टी में, जब तक हम सब लोगों ने अन्ना आंदोलन नहीं किया था, उससे पहले दिल्ली के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल बहुत सारे डिजाइन किए हैं। अब तो खैर पुरानी बात हो गई, 7 साल पुरानी। पिछले बार 2015 में जब गाड़ी में बैठ के चलते थे तो कुछ बात कर रहे होते थे, तो सत्येंद्र भाई जिधर भी होते थे वहीं कह देते थे, आपने ऐसे करो थोड़ा सा यहाँ चलो, वहाँ एक मॉल बनाई हुई है, मैंने उसको दिखा देता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया हुआ है, स्कूल बनाया हुआ है, मतलब दिल्ली के किसी भी कोने से निकल रहे हो ये मुझे कह देते थे, इधर से निकलते हो ना वहाँ से चलते हो, देखते चलते। मैंने 3 साल पहले डिजाइन किया था, वो 5 साल पहले डिजाइन किया था, 8 साल, तो बहुत बड़े दिल्ली के एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट थे। तो हम सब दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि हमको मोहल्ला क्लिनिक और टेस्ट तो फ्री में मिल ही रहे हैं, एक आर्किटेक्ट भी फ्री में मिल गया है, और इतना बढ़िया जो दिल्ली के हर बच्चे के लिए स्कूल, अस्पताल, सब कुछ डिजाइन करने के लिए सोचते हैं। आपके सामने की जो रोड है हमारी, ये नरवाना रोड, इसका भी रीमॉडलिंग इन्होंने डिजाइन किए, कुछ महीने बाद, कब तक होगी ये है, 1 महीने बाद इस पर भी काम शुरू हो जाएगा, और 4-5 महीने में फिर ये रोड भी एकदम अच्छे से रीमॉडल होके सामने आएगी हमारे सामने। हमारी विधानसभा का ये 8वां, अगर सही देखें तो 9वां मोहल्ला क्लिनिक है, 9 मोहल्ला क्लिनिक और 1 पॉली क्लिनिक अभी हमारे विधानसभा में चल रहे हैं। और इस वार्ड की बात करें, हालांकि सब बॉर्डर पे ही हैं, बॉर्डर से लगे हुए सारे वार्ड के, इसमें तो 4था मोहल्ला क्लिनिक है, ये 4था मोहल्ला क्लिनिक है एक ही वार्ड में, तो इसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली और देश भर के स्कूलों के बारे में एक डेटा जारी किया है। ये डेटा दिल्ली और देश के तमाम स्कूलों में छात्रों की संख्या और उन छात्रों की संख्या के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, शिक्षकों की संख्या आदि के बारे में है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिल्ली का भी पूरा डेटा है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें दिल्ली के स्कूलों का भी डेटा दिया गया है, और मोदी जी ने इस रिपोर्ट में खुद माना है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में जो बीजेपी बैठी है पिछले 20 साल से नगर निगमों में, एमसीडी में, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के स्कूलों में बेड़ा गर्क कर दिया है, ये खुद नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं। मोदी जी की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 20 साल से नगर निगम में बैठी हुई है, उसने नगर निगम के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की खास तौर से, इतनी बुरी हालत कर दी है कि उनकी वजह से नगर निगम के स्कूल देश में सबसे पिछड़े हुए स्कूल बन गए हैं। ये खुद, ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी जी की रिपोर्ट कह रही है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की हालत इतनी खस्ता कर दी है कि आज वो देश के सबसे पिछड़े हुए स्कूल बन गए हैं, और उनकी वजह से आज दिल्ली की पूरी तस्वीर खराब हो रही है।